हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा बाल्यान फ्रॉम विहान आईएएस पुणे। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें मेजरली हम जो है नेशनल इनकम को देखेंगे। नेशनल इनकम के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हम इस सीरीज में चेकआउट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आएगा वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिए, जीडीपी, जीएनपी, इन चीजों को समझने से पहले हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ये हम किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम अगर जीडीपी में टोटल कर रहे हैं तो वो किस चीज का कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है फिनिश्ड गुड। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है कैपिटल गुड्स की। जहां तक फिनिश्ड गुड्स की बात है, ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो पूरी तरह मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं, पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, पूरी तरह फाइनल प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली तैयार है कंजम्पशन के लिए। यानी एक फैक्ट्री ने उसे प्रोड्यूस कर दिया है, प्रोड्यूसर ने उसे प्रोड्यूस कर दिया है, और अब वो सिर्फ जाएगा मार्केट प्लेस पे सेल होने के लिए, ताकि हम एज कस्टमर्स इन्हें खरीद सके। जैसे कि ये मर्चेंडाइज, कपड़े पूरी तरह तैयार है, स्टिच्ड है, कलर्स हो चुके हैं, डाई लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए तैयार है, शॉप्स पे जाएगा जिसे हम खरीदेंगे। दूसरी चीज है ये कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, ये कॉर्नफ्लेक्स एक तरीके का फिनिश प्रोडक्ट है जो पूरी तरह पैकेज हो चुका है, पूरी तरह प्रोसेस हो चुका है। इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, बस घर में जाएगा, दूध हम मिक्स करके इसे खा लेंगे या हम इसका नमकीन भी बना लेंगे। तीसरा, एक इसी में एक और एग्जाम्पल है ये, जो कि ये वॉशिंग मशीन। इसे हम पूरी तरह तैयार है, अब बस घर में जाके इसमें कपड़े धुलने बाकी है। नाउ आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू दी अदर कैटेगरी, दैट इज कैपिटल गुड्स। देखिए, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो पूरी तरह फिनिश्ड है। इसमें और फिनिश्ड प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन की पॉइंट। ये जो कैपिटल गुड्स है, इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, लेकिन इन्हें हम यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इन्वेस्टमेंट कैसे? बेसिकली मोर बिजनेस जनरेट करने के लिए। जैसे कि ये एयरप्लेन, ठीक है, इस एयरप्लेन को हम यूटिलाइज करेंगे ट्रैवल इंडस्ट्री में, कार्गो इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में। क्यों? ताकि हम इससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये क्या हुआ, एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट हुई, एक तरह से मेरा कैपिटल हुआ, इसीलिए ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में चला जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये ट्रैक्टर। इसको एक किसान खरीदेगा, ले जाके अपनी खेती में यूज करेगा, ताकि वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सके। यानी ये उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक कैपिटल है, पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, लेकिन मैं इससे प्रॉफिट जनरेट करूंगी। उसी तरह से ये है सीमेंट मिक्सर। इसमें भी यही है, एक बिल्डर इसे खरीदता है ताकि वो बिल्डिंग्स बना सके, पूरी तरह तैयार कर सके, और फिर उन बिल्डिंग्स में से जो अपार्टमेंट्स हैं या कमर्शियल प्लेस अगर है, जो शॉप्स हैं, उन्हें वो बेच के अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। सो ये जो है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी पे। प्लीज लुक एट द स्लाइड और आप मुझे बताइए ये प्रोडक्ट किस तरीके का है। दूसरा ये प्रोडक्ट और तीसरा ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, अगर मैं इसे डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर ले रही हूं, मैं घर में जाके इसका ऑमलेट बनाती हूँ अंडों का, या मैं शुगर को यूज करती हूँ टू मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, या मैं स्ट्रॉबेरीज को यूज करती हूँ टू मेक अ मिल्क शेक, तो ये क्या है, ये पूरी तरह एक फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन वही अगर एज अ कंज्यूमर मैं हूं एक बेकर, मेरी बेकरी है, दुकान में मुझे इसे केक्स बनाने के लिए यूज करना है, तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आऊंगी और इसमें चेंजेस करूंगी, इन्हें मिक्स करूंगी, एंड आई विल मेक अ स्ट्रॉबेरी केक। और इसे इस स्ट्रॉबेरी केक को मैं क्या करूंगी, आई विल यूटिलाइज इट टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, फिर अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें और कैपिटल गुड्स में क्या फर्क हुआ, आफ्टर ऑल आई एम यूटिलाइजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट। एक मेजर डिफरेंस है। जहां तक कैपिटल गुड्स की बात है, उसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी, नो फिजिकल चेंजेस, नो केमिकल चेंजेस, वो पूरी तरह फिनिश्ड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे व्हाट्सोएवर। लेकिन आप एग, शुगर या स्ट्रॉबेरी, इन तीनों को ही देख लीजिए, जब मैं केक बना रही हूँ, नन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल बी विजिबल, जबकि कुछ नया ही तैयार हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, आई हैव वैल्यू एडेड इन इट, और ये जो है मैंने अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इसे यूटिलाइज किया है। तो ये किस तरीके का गुड हो गया, ये हो गया एक इंटरमीडिएट गुड।
दो इट इज फिनिश गुड, ये फिनिश गुड में भी जाएगा, लेकिन मैं इसे यूटिलाइज कर रही हूँ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो और मैंने इसके प्रॉपर्टीज भी चेंज कर दिया, आई हैव वैल्यू एडेड इन इट, तो ये बन गया है मेरा इंटरमीडिएट गुड. सो विद दिस आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज विहान आईएएस पुणे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां जाके और डिटेल्स सर्च कर सकते हैं. थैंक यू.